तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है दीपक और आप सभी का मेरे इस वीडियो पे स्वागत है। तो दोस्तों आज का वीडियो किस टॉपिक पर है तो आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो है कॉपीराइट क्लेम के ऊपर और डीजे मिक्सिंग चैनल के ऊपर, जो कि डीजे मिक्सिंग सॉन्ग अपलोड करते हैं और जिनका डीजे मिक्सिंग का चैनल है उनके लिए। तो दोस्तों देखिए, अगर आपका डीजे मिक्सिंग का चैनल है तो आप किसी न किसी का सॉन्ग यूज करेंगे ही करेंगे। तो देखिए, सॉन्ग यूज दूसरे का करने से होता है कि पहले आपको उनसे पूछ लेना चाहिए कि भाई मैं आपका सॉन्ग यूज कर रहा हूँ, आप कोई कॉपीराइट तो नहीं ना दीजिएगा। ऐसे करके आप अगर उनका सॉन्ग बनाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। अगर आप बिना पूछे हुए किसी का सॉन्ग यूज करते हैं तो वो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे देगा। स्ट्राइक देने से होगा ये कि आपका चैनल बंद भी हो जाएगा। अगर एक महीने में आपके चैनल पे 3 स्ट्राइक आ जाता है तो आपका चैनल बंद हो सकता है। अब बताते हैं कॉपीराइट क्लेम से क्या होता है। तो देखिए, कॉपीराइट क्लेम दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कि सीधा कॉपीराइट क्लेम दे देते हैं और दूसरा होते हैं ये कि वो आपको कॉपीराइट क्लेम दे देंगे तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है, लेकिन आप अगर दूसरे का सॉन्ग यूज कर रहे हैं तो उनका ऐड जो होता है वो आपके वीडियो पे चलेगा और आपके ऐड से जो भी पैसा आएगा वो पैसा उनके पास चल जाएगा, जिनके पास वो गाना का लाइसेंस है, जिनका वो गाना है उनके पास चला जाएगा। तो आप दूसरे का सॉन्ग नहीं यूज कीजिए, इससे ना आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा ना कॉपीराइट क्लेम आएगा। अब बताते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मुझे ना कॉपीराइट क्लेम आया है ना कॉपीराइट स्ट्राइक आया है और डीजे मिक्सिंग का मेरा चैनल है तो मेरा चैनल मोनेटाइज होगा कि नहीं। तो देखिए, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, डीजे मिक्सिंग का चैनल मोनेटाइज नहीं होता है। 90% चैनल मोनेटाइज नहीं होता है, 10% होता भी है तो वो बाद में मोनेटाइज डिसेबल हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप डीजे मिक्सिंग का चैनल खोले हुए हैं तो आप गाना रिमिक्स करना छोड़ दीजिए और डीजे मिक्सिंग का काम भी आप बंद कर दीजिए। अगर आपको मोनेटाइज चैनल करवाना है तो, अगर चैनल मोनेटाइज नहीं करवाना है तो आप डीजे मिक्सिंग कर सकते हैं, अपना पहचान बना सकते हैं और किसी का भी गाना यूज कर सकते हैं। अगर आपको चैनल मोनेटाइज करवाना है तो आप ना ही किसी का गाना यूज कीजिए, इससे ना आपको कॉपीराइट क्लेम आएगा ना कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा। और आप अगर कर भी रहे हैं तो किसी सिंगर का गाना यूज कर रहे हैं तो पहले उनसे पूछ लीजिए, ऐसा करने से आपको ना कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा ना कॉपीराइट क्लेम आएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।